So electric motor, I repeat those who joined late, electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy, right? And it works on the principle of suction. Grover has given a keyword, torque. So torque एक कीवर्ड है जिससे आप याद रख सकते हो कि इसमें इसी का प्रिंसिपल आना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज टेलिंग यू दैट विजुअलाइज कि इसमें होता क्या है. एक रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी होता है दैट हैज बीन केप्ट बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. देर आर टू कार्बन ब्रशेस. टू हाफ्स ऑफ अ रिंग आर टेकन. एक ही रिंग को दो हाफ्स में स्प्लिट कर दिया है. ये देखिए यू हैव वन रिंग, उसी को दो हाफ्स में स्प्लिट कर दिए. ठीक है, दो हाफ्स में स्प्लिट कर दिए. एक हाफ इधर लगा दिया और दूसरा हाफ उधर लगा दिया. सो उनको हमने नेम दे दिया R1 R2. टू कार्बन ब्रशेस आर देयर V1 एंड V2 एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी और सेल एंड अ की स्विच. एंड आई वाज टेलिंग यू कि अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे जब तक मोटर सामने पड़ी है बट आप स्विच ऑन नहीं कर रहे हो तो इट विल नॉट वर्क. So if you don't connect cell or battery in the circuit, then that will be a blunder, right? So always remember that you have to connect cell or battery. पहले क्या होता था सिलेबस में, जनरेटर भी होता था मोटर भी होता था, तब तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते थे क्योंकि एक में हम करंट पास करवा रहे हैं दूसरे में करंट प्रोड्यूस होने. तो जनरेटर में सेल लगा देते थे इसमें नहीं लगाते थे, मतलब समथिंग लाइक दैट. सो देर वॉज सम कंफ्यूजन बट नाउ देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन. आपको तो एक ही है, मोटर ही है आपके सिलेबस में. ठीक है, क्योंकि उसमें भी बाकी पार्ट सारे सेम ही होते हैं, जस्ट दिस पार्ट इज डिफरेंट. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम ऑफ मोटर. अब हम इसके बाद इसकी वर्किंग करते हैं. तो पहले प्रिंसिपल पे आते हैं. तो पहले रिमाइंड करो कि होता क्या है. हम स्विच ऑन करते हैं मोटर चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं. करंट पासेस थ्रू द कॉइल विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. फिर ऐसा क्या होता है कि कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि कॉइल घूमना शुरू कर देती है. अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल दैट रोटेट्स इट. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट दैट रोटेट्स द कॉइल. उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करती है जो कॉइल को रोटेट करती है. So this is the principle. Okay? Principle में किसी को कोई problem है अभी तक तो पूछ सकते हो. Is there any doubt? You can ask. Okay? So when current is passed through a coil placed in a magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. अब torque क्या होती है? कौन बताएगा? What is torque? Yes, students, are you aware of this term torque? होती क्या है टॉर्क? दिस इज आवर की वर्ड फॉर द मोटर. क्या होती है टॉर्क? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यस एनीवन? व्हाट इज टॉर्क? यस स्टूडेंट्स, हां जी तान्या बोलो. मैम, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस अ टॉर्क. यस, सो टॉर्क इज अ फोर्स, यू कैन से दैट रोटेट्स द ऑब्जेक्ट. इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको कहते हैं हम टॉर्क. ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं. सो इट्स अ फोर्स दैट रोटेट्स द कॉइल, इट इज अ फोर्स दैट रोटेट्स द ऑब्जेक्ट, राइट? So it is always produced by two forces that are equal and opposite but are acting along different lines of action. They don't cancel each other but they can rotate the object. So aise jo do forces hote hain, if they cancel out, if they are acting along the same line, they will cancel out and then no net force will be there, net force will be zero. But if there are two forces that are equal and opposite but they don't cancel out because they are acting along different lines of action, so then what they will do, they will rotate the object. So this thing is happening here. Let us see the working now. So we press the switch E, current starts flowing like this.
and comes back. So we show the complete path of current. So this is current and magnetic field is acting from north to south pole. So magnetic field is horizontal and current is vertical in this case. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज यू कैन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द करंट इज फ्लोइंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ऑलराइट, नाउ विच रूल वी विल यूज टू एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. अब हमने स्विच ऑन कर दिया, करंट पास होना शुरू हो गया, कॉयल में से करंट पास कर रहा है. तो अब फोर्स बताने के लिए कि वेदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन आर्म्स ए बी एंड सी डी और नॉट, अब हम रूल अप्लाई करेंगे. टेल मी विच रूल वी विल यूज. Which rule is called motor rule? Who will tell me? Yes, which rule we should use here, which is called motor rule? Which rule is also called motor rule? Yes, Harleen, आप बताओगे? Harleen, motor rule कौन सा होता है? ईशाप्रीत, मोटर रूल कौन सा होता है? हरलीन, ईशाप्रीत, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट. सेम सेम स्टूडेंट्स ऑलवेज. यस दक्ष, आप बताओ. मैम लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल मैंने बोल. फुल नेम बताओ. चलो दक्ष तुम फुल नेम बताओ. आपने बोला है ना पहले, फुल नेम बता दो. कौन सा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है. सो मोटर रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. कभी भी हाफ नेम नहीं बताना, फुल नेम बताइए. सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आल्सो कॉल्ड मोटर रूल. सो लेट्स अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू आर्म ए बी फर्स्ट, ठीक है. अब देखिए, स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर्स. आपकी मिडल फिंगर ऊपर होनी चाहिए, करंट. फोर फिंगर शुड बी हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड. एंड लुक एट योर थंब. थंब किधर है? इनवर्ड्स. थंब अंदर की तरफ. अब सी डी पे लगाइए. सी डी पे बस क्या होगा, करंट डाउनवर्ड हो गया, फील्ड उधर ही है अभी भी. फोर फिंगर, थंब आपका बाहर की तरफ, आउटवर्ड आ गया. तो इधर फोर्स बाहर लग रहा है, इधर अंदर लग रहा है. सो वी सी दैट फोर्सेज ऑन आर्म्स ए बी एंड सी डी आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. तो इसको मार्क करिए अंदर की तरफ एफ वन, और इसको मार्क करिए बाहर की तरफ F2. ये इसका करंट है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो ये इसका फोर्स होगा. सो मार्क दीज टू फोर्सेस लाइक दैट. इफ वी सी देयर लाइंस ऑफ एक्शन, इज दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2. तो वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है. दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, बट दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. Such two forces always produce a torque. Torque is also called a couple. C-O-U-P-L-E. Torque को हम couple भी बोलते हैं, ठीक है. So it always rotates the coil. तो अब किस direction में rotate करेगी? ये देखो, इसका force की side इधर है, ये इधर move करेगा, ये वाला force इधर rotate करेगा. So the coil will start rotating. हमने किया क्या किया था? Switch on किया था. Coil rotate करना शुरू हो गया. कैसे work करना start हुआ? Because when current is passed through a coil placed in a magnetic field, a torque acts on it that rotates the coil. So according to that principle, the coil has started rotating. मतलब motor चल पड़ी हमारी, ठीक है. Now there is a question कि why don't we see the contribution of AC and BC arms, AC and BD arms? Anyone? हम AC और BD arms की contribution क्यों नहीं देख रहे हैं? उन पे हमने रूल क्यों नहीं अप्लाई किया? यस सक्षम. बिकॉज इफ वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द एसी एंड बीडी, वी विल फाइंड दैट दे आर ऑपोजिट एंड कैंसिल आउट ईच अदर. हां, दे विल बी एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन. हम इधर भी रूल लगा लेते हैं, ठीक है. लगाइए रूल यहाँ पे. अब ये करंट इधर को आ रहा है आपकी तरफ, इसको मिडल फिंगर को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है, तो यू विल सी दैट थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. योर फोर्स इज नाउ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे बस करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, तो आपका थंब डाउनवर्ड पॉइंट करेगा.
ठीक है, और अगर हम मार्क करें तो बिल्कुल एक ही लाइन में आएंगे, ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में आएंगे, F3 and F4, since two equal and opposite forces are acting along the same line of action, they will cancel out each other. तो इसलिए हम ACBD arms पे rule apply नहीं करते, because we already know कि उनका force equal and opposite होने वाला है और cancel out होने वाला है. So they will not contribute towards torque. उनका coil को घुमाने में कोई भी role नहीं है. So that's why we apply the rule only on arms AB and arm CD. हम सिर्फ इधर ही रूल अप्लाई कर देंगे. इज दैट ओके? अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब कॉइल रोटेट कर रहा है तब भी जो इनका क्या फंक्शन है, ये क्यों लगाए हैं हमने, स्प्लिट रिंग क्यों लगाए हैं, मतलब क्या कॉइल हमेशा सेम डायरेक्शन में घूमता रहेगा? वी हैव टू इंश्योर दैट व्हेनेवर अ डिवाइस इज कंस्ट्रक्टेड इट इज run till the end to see the whole functioning. So whether it will keep functioning throughout and for what time it will work, right? So after half rotation, let's check how it will work. Tab kya hoga? Kaise hum coil ko ek hi direction mein ghoomta rakhe? To uske liye bhi kuch karna padega. So that's why this part is attached here. This split ring commutator arrangement and carbon brushes are attached here. So let us see their role. Their role starts when the coil starts rotating. So let us draw one more diagram after half rotation. After half rotation. CD arm इधर आ गई, AB arm goes down. ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, कार्बन ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड ऑलवेज, दिस साइड वी हैव ब्रश बी वन, दिस साइड वी हैव ब्रश बी टू, दे ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, बट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टू आर्म ए बी एंड सी डी द कनेक्शंस ऑल्सो चेंज. ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से इनके साथ कनेक्टेड है तो ये भी रोटेट कर जाएंगे. ठीक है, so this will be R2 now, this will be R1, because R2 was connected to CD and AB was connected to R1. So ye bhi interchange kar lenge. When the arms AB and CD will interchange their position, so will be the position of split rings also. Wo bhi apni position change kar lenge. Now we again apply the rule ki dekhte hain ab kya hota hai. Current flow starts. We complete the path of current like this. So again, we see that current through this arm is in this direction and magnetic field is in this direction. Ab rule to rule hai na. If still the current is in the upward direction and magnetic field is in the horizontal direction, then the force will be inwards. Aur dusri arm pe outwards. Ab rule ko kya pata ki AB arm aayi hai ki CD arm aayi hai. Rule to rule hi rahega na. तो अब इस साइड पे अभी भी आपका F1 ऐसे ही एक्ट करेगा और आपका F2 ऐसे ही एक्ट करेगा, एंड दे आर स्टिल एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द अलोंग द डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन. सो दे विल अगेन रोटेट द कॉइल, और डायरेक्शन देखोगे तो यू विल फाइंड स्टिल द कॉइल इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन किया था कि What is the function of split rings? वहां लिखा हुआ था to reverse the direction of current. Current की direction reverse हो गई ना, और ये किस वजह से हुआ है? इसी वजह से हुआ है ना कि coil आपका same ही direction में जा रहा है. Reverse का मतलब पहले AB arm में से current upward जा रहा था, now in CD arm current is going upward. तो उसकी direction एक तरह से आप कह सकते हो कि reverse हो गई. So that is because of split rings. So split rings, they help to rotate the coil in the same direction only. They help to keep the coil moving in the same direction always. Okay, तो ये दोनों डायग्राम बना के आपने प्रॉपर टू पैराग्राफ्स बना के वर्किंग शो करनी. सो यू विल से आफ्टर हाफ रोटेशन ऑल्सो अप्लाइंग द रूल ऑन आर्म्स ए बी एंड सी डी वी सी दैट स्टिल टू फोर्सेज F1, F2 आर एक्टिंग अलॉन्ग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन.
and they produce a torque that rotates the coil. And because of action of split rings and carbon brushes, the coil keeps on rotating in the same direction. So this process continues and the coil keeps on rotating in the same direction ever. So this way you will explain. तो ये पूरी वर्किंग है इलेक्ट्रिक मोटर की. किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं. यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट नाउ इफ यू हैव फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर? मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी डाउट होना चाहिए. अब फैराडेज एक्सपेरिमेंट भी एक बारी कर लेते हैं, ठीक है. तो आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज फॉर वन कॉइल, ठीक है. फैराडेज लॉ यू नो is related to electromagnetic induction. So he took only a coil of wire. Coil of wire matlab turn of wire, a galvanometer and a magnet. He had taken a magnet, right? So when he moved the magnet towards or away from the coil, galvanometer showed a deflection. So on the basis of his observations, he formulated two laws. Who will tell me Faraday's first law? Yes, students, who will tell me Faraday's first law of EMI? EMI means electromagnetic induction. So Faraday ka first law of EMI kya tha? Again, same students always, Tanya, Bisham or Vivan and Saksham Grover. Bas yehi bachche answer dete hain. Hai na? Dakshmi. Chalo, Tanya, aap batao. Ma'am, when there is relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced. Yes, very good. So whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, an induced current is produced. An induced EMF is produced. Aap kuch bhi bol sakte. This process is called EMI. Isko EMI bhi bolte hai aur ye Faraday ka pehla law bhi hai. ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से करना है क्योंकि दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं. दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ आल्सो एंड डेफिनेशन ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल. इसको दूसरे वर्ड्स में आप कैसे बोल सकते हो कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन या फिर क्या और हो रहा है? एनीवन एल्स हु कैन टेल? इसको आप और कैसे बोलते हो? मैम, मेरा ना एक डाउट था. वो जो आपने मोटर में डायग्राम बनाया, उसमें आपने एसी और बीडी, जब उसकी वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली, एक बार बता दो. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाया? हाँ जी, वो पैरेलल लाइंस में. तो ये जैसे सीडी में ऊपर जा रहा है ना करंट, ये मिडिल फिंगर ऊपर रखो, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ से साउथ है, हॉरिजॉन्टल ऐसे रखो. पहले तीनों को परपेंडिकुलर कर लो, अब ऐसे रखो. आपकी फोर फिंगर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, मिडिल फिंगर ऊपर होनी चाहिए. अब देखो थंब कहाँ है आपका? थंब इस साइड पे, इनवर्ड, अंदर की तरफ. और जब आप ए बी आर्म पे रूल अप्लाई करोगे, सिर्फ करंट अपवर्ड का डाउनवर्ड कर दो, बस. फोर फिंगर अभी भी उधर है, करंट डाउनवर्ड हो गया और थंब कहाँ है आपका? बाहर. तो इधर इनवर्ड. हाँ जी, इधर फोर्स. मैम, आपने एसी और बीडी में बताया था कि फोर्स, जो सी थर्ड फोर्स लगेगी वो अपवर्ड और फोर्थ डाउनवर्ड, वो कैसे लगाया था, वो वाला बताया. अच्छा, ये वाली आम में, एसी में, इसके लिए पता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये सोचो कि ये जो सीडी आम है ना, ये इस बोर्ड के अंदर है, ठीक है. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रहा ए बी, ए इधर है, बी इधर. तो जब हम सीडी देख रहे हैं ना, तो आपका ए पॉइंट यहाँ पे है, तो करंट इधर को आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है. आपको थ्री डायमेंशन में इमेजिन करना पड़ेगा ना. ये लाइंस तो सीधी बोर्ड में ड्रॉ की हुई हैं, तो आपने उसमें रूल लगा लिया था. अब एसी आर्म जो ऊपर वाली है आपकी, वो इधर को है. आप ऐसे इमेजिन करो, कॉयल ऐसे है, परपेंडिकुलर पड़ा है कॉयल, ठीक है. तो अब आप देखिए कि करंट इधर को आ रहा है, मिडल फिंगर इधर को रखिए, ठीक है, और फोर फिंगर वहीं पे, मिडल फिंगर हॉरिजॉन्टल होगी इधर, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही रहेगा. अब देखो थंब कहाँ है, थंब इज अपवर्ड. रूल अप्लाई करो, देखो तान्या, नाउ इट्स क्लियर टू यू? यस मैम, थैंक यू. तो ये अब ऊपर आ गया. और जब आप ये करंट को ऐसे कर दोगे,
करंट को बिल्कुल ऑपोजिट ले लोगे उधर, ये अभी भी हॉरिजॉन्टल है, तो आप देखोगे थंब डाउनवर्ड है, तो वो ऊपर और ये डाउनवर्ड बिल्कुल सेम लाइन के अलोंग सेंटर से एक्ट करेंगे, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, सो दे विल बी कैंसलिंग आउट ईच अदर, राइट? ठीक है तान्या? यस मैम, थैंक यू। ओके सक्षा, आपका भी कोई डाउट है? यस मैम। मैम अगर थ्री डायमेंशनली भी इमेजिन करें तो फिर हम करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ही होंगी। करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थोड़ी है, वो तो परपेंडिकुलर है। ये देखो ना, मैंने करंट को इधर लिया ना मिडल फिंगर, और फोर फिंगर वो अभी भी उस साइड पे है ना हॉरिजॉन्टल यहाँ, तो ये दोनों फिंगर परपेंडिकुलर है ना, ये देखो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक अगर मैंने वाई एक्सिस के अलोंग अब करंट को लिया और ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड शुरू से एक्ट कर रहा है, तो अब थंब जो है वो थर्ड डायरेक्शन में होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी। आप ये देखिए ना, ऐसे इमेजिन करिए कि ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ए बी सी डी। अब ए बी आर्म जो है या यहाँ सी डी आर्म जो है वो यहाँ है बोर्ड के साथ, तो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है इस तरह से। तो अब करंट पास करके देखिए, आपको समझ में लग जाएगा। अब आप किसी भी आर्म में रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? परपेंडिकुलर ही रहेंगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं होंगे, वो परपेंडिकुलर ही रहेंगे, ठीक है? चलिए, फैराडेज एक्सपेरिमेंट का आई वाज आस्किंग कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन को आप और क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल, बिकॉज आई टोल्ड यू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। So when this magnet will move towards the coil, then some lines will start entering the coil. तो इसकी flux change होगी, इसमें lines enter करेंगे। तो जब भी magnetic flux change होती है, actually that is the reason की induced current produce होती है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, an induced current is produced। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, in more refined language, whenever there is a magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux of a coil, then an induced current or induced EMF is produced. ऐसे बोल दोगे तो पता लग जाएगा चेकर को कि आपको पता है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने मेंशन कर दिया उसको पता है, ठीक है? एंड व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, देन लाइंस विल स्टार्ट गोइंग अवे from the coil. So magnetic flux of the coil will start decreasing with the time, right? So now the galvanometer will show deflection in the opposite direction. So agar hum pass leke aate hain to ek direction mein deflection ho rahi hai, when we take it away then the direction of deflection changes. This way it happens, right? And when we move the magnet faster towards or away, then the amount of deflection is more. That means the magnitude of induced current, the amount of induced current kitna produce ho raha hai, that depends upon speed of the magnet. So jitni zyada speed hogi utni hi fast magnetic flux change hogi, aur jitni fast magnetic flux change hogi utna hi zyada magnitude hoga induced current. Theek hai? So these are two laws given by Faraday. I repeat, first law is whenever there is a change in magnetic flux of a coil, an induced current is produced. And second law is the amount of induced current depends upon speed of the magnet. अब इसी से related हमने lens law भी किया था, कौन बताएगा lens law? Who will tell lenses law? हाँ जी सक्षम बोलो। lens law states that induced current is always produced in such a direction that it opposes its own cause producing it. Yes. So induced current is always produced. Induced current kis mein produce hoga? Is coil mein. It will be produced in such a direction that it will oppose the cause producing it. Ab jab magnet aa raha tha, to iska cause kya hua? Ki magnet ka pass aana. That was the cause of production of induced current.
but it will induce north polarity here because the induced current starts flowing in anti-clockwise direction when the north pole of magnet is approaching. So ye north hi wahan pe generate ho jayega. Anti-clockwise current means north polarity. So yahan pe north pole produce hone ka matlab hai ki north north ka repel karega and jis magnet ke aane ki wajah se induced current produce hua tha ye usi ko oppose karega. Because north or north mein repulsion hogi always, we know that. So this is how it happens. Aur jab hum magnet ko dur leke ja rahe hain, when we are taking the north pole away, then the current will start flowing in clockwise direction, inducing south pole here. To wo south us north ko attract karna start kar dega. Hum magnet ko udhar leke ja rahe the, ye usko apni taraf pull karna shuru kar dega, matlab hamesha oppose karega. If magnet is coming closer, it will repel. If magnet is going away, it will attract the magnet. So that always it opposes the cause producing it. Agar magnet aa raha tha to ye uske aane ko oppose karega, agar magnet ja raha hai to ye uske jaane ko oppose karega. So this is Lenz's law, right? So it gives us an idea about the nature of induced current, ki ye kaisa nature hota hai, ki ye supportive hota hai, ki repulsive hota hai, ye always repulsive hota hai. Theek hai, to isko hum Lenz's law bolte hain. So in when the north is repelling north, we want to continue the magnet moving towards the coil. Hum usko uske paas leke aa rahe the. So in doing that, in moving the magnet closer, now we have to do some work. That work is converted into, that mechanical work is a form of mechanical energy that is converted into electrical energy. So it's not a miracle, it's a conversion of one form of energy into the other. Here the mechanical work that we do against repulsion or attraction, that is converted into electrical energy. Okay, that is converted into induced current.